नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पथ निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों को कई बार भ्रमण के दौरान जिले के अधीन विभागीय पथों से संबंधित रोड नेटवर्क मैप की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में उन्हें नक्शा मिलना भी काफी कठिन हो जाता है। अधिकारियों ने बार बार इस बात की शिकायत की है कि यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट रोड मैप अप टू डेट रहे, जिससे विकास कार्य को गति देने में अड़चन न आए। यही कारण है कि बिहार में सड़कों का डिजिटल डेटा बैंक तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, जिससे पता लगाना आसान हो गया है कि किस जिले में कितनी और कौन कौन सी सड़कें मौजूद है। इन सड़कों का लेखा जोखा डिजिटल मैप पर रहेगा। सबसे खास बात यह है कि बिहार राज्य पथ निर्माण विभाग में इसको लेकर कवायद भी शुरू कर दी गई है। डिजिटल मैप तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश भी दे दिया गया है। पथ निर्माण के अभियंता प्रमुख हनुमान प्रसाद चौधरी की माने तो बिहार के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि कार्यपालक अभियंता अपने जिले में पड़ने वाले सभी सड़कों को डिस्ट्रिक्ट मैप पर चिन्हित कर डिजिटली अपलोड करें, जिसमें कि राष्ट्रीय उच्च पथ, राजकीय उच्च पथ और वृहद उच्च पथ में शामिल किया जाए। जिसके बाद सहूलियत यही होगी कि अधिकारियों के निरीक्षण के समय आसानी से डिजिटल मैप के आधार पर निरीक्षण किया जा सकता है, इसीलिए इस काम को प्राथमिकता से करने को कहा गया है। सबसे खास बात यह है कि डिजिटल रोड मैप को हर महीने अपडेट किया जाएगा, ताकि हमेशा जिले की सड़कों की अद्यतन स्थिति की जानकारी मिलती रहे। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जिला मुख्यालय में अव्यवस्थित कार्य पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता डिजिटल मैप के नोडल पदाधिकारी होंगे, जिसके बाद अगर जिला मुख्यालय में दो या दो से अधिक कार्य पथ प्रमंडल हो तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आपसी समन्वय स्थापित कर समेकित डिजिटल डॉट नेटवर्क मैप तैयार कर लेंगे। इतना ही नहीं, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार की सड़कों की सारी जानकारी पथ निर्माण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी को आधार बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट रोड मैप तैयार किया जाएगा। मैप का बैकग्राउंड सफेद रखने को कहा गया है और विभिन्न प्रकार की सड़कों को अलग अलग रंग में दिखाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो नेशनल हाईवे को पीले रंग का, स्टेट हाईवे को हरे रंग का, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को यानी कि MDR को काले रंग का दिखाया जाएगा। इससे आसानी से ये जानकारी मिल जाएगी कि किस जिले में कौन सी सड़कें कितनी संख्या में है और उसमें से कौन किस स्थिति में है। इतना ही नहीं, कौन सड़क बेहतर है तो किसकी स्थिति सामान्य है, जबकि जिले की कौन सी सड़क और कितनी लंबाई में जर्जर अवस्था में है, इसके आधार पर कार्य योजना तैयार कर सड़कों को अपग्रेड करने की योजना बनाने पर और उस पर काम किया जाएगा। यानी कि एक बात तो साफ है कि अब बिहार के सभी जिलों की सड़कों की अद्यतन स्थिति की जानकारी अप टू डेट रहने वाली है। पथ निर्माण विभाग की इस पहल से सड़कों को लेकर कई बार आई शिकायतों का अब निवारण आसानी से हो सकेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।